नौ के दिन रामगोपाल पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक चोरी हुई थी। आप सबको इसके बारे में जानकारी है। ये विजय कुमार गोयल, उसके तीन बेटे, जॉइंट फैमिली, वो सब सिंधी कॉलोनी ओम टावर अपार्टमेंट्स में रहते हैं। पूरे 20 लोग रहते हैं वो घर में बच्चों को मिला के। इनका रानीगंज में शिवशक्ति स्टील ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं और स्टील का बिजनेस है। तो इनके पास करीब करीब 5.5-6 साल से नेपाली थोड़े लोग काम कर रहे हैं, वॉचमैन के रूप में, गाड़ी चलाना, ड्राइवर, घर साफ करना, घर मेंटेन करना, घर के काम करना। वो हैं शंकर सौड एलियास कमल, लाल बहादुर थापा और मोहन सौड। ये सब नेपाल के टीकापुर ग्राम गांव के हैं, कैलाली डिस्ट्रिक्ट नेपाल। और इनके, आप सबको जानकारी है कि नेपाल के काफ़ी लोग भारत देश में, अपने मुल्क में काम करते हैं। हर उनको मुंबई, दिल्ली, हर प्रांत में इनका प्रेजेंस है। ये गार्ड ड्यूटी, वॉच ड्यूटी करने में माहिर हैं और हम अपने देश के लोग भी इन पर बहुत भरोसा करते हैं इसके बारे में। ये बीच काफ़ी नेपाली के द्वारा काफ़ी चोरियां रिपोर्ट हो रही हैं और ये एक बड़ा चोरी जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, इसमें 49 लाख रुपीस और 5 करोड़ का ज्वेलरी जो है, आप देख रहे हैं आपके आगे ये सब है। ये सब चोरी करने का एक इन्होंने प्लान किया। तो जुलाई 9 के दिन विजय कुमार गोयल उनके फैमिली के साथ, वो अपने फार्म हाउस मोइनाबाद में है, वहाँ पर जाने का प्लान किए थे। और ये प्लान कमल जो A1 है, मुजरिम 1 जो है, मेन अक्यूज्ड, वो उसको पता लग गया कि ये लोग जाने वाले हैं, तो अपने पूरे जो भी दोस्त हैं, वो पूना में काम करते हैं, थोड़े बैंगलोर में काम करते हैं, उन सबको ये अलर्ट किया कि ऐसा होने वाला है, ये सब जाने वाले हैं। और इनके घर में मैं देखा हूँ कि काफ़ी अपने को ये प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कैश मिलने का चांस है, तो आप सब आइए, हम ये चोरी करते हैं। तो 9 के दिन ये सब सवेरे निकलकर फार्म हाउस चले गए, घर को ताला डाल के, और इनको बोल के गए कि आप देख लीजिए, हम एक दो दिन के बाद आएंगे। तो एज पर प्लान जो कॉन्स्पिरेसी इन्होंने किया था, उसके तहत अपने पूरे दोस्तों को वहाँ पर बुला लिया। वो नीचे वॉचमैन का रूम जो है, वहाँ पर इन्होंने सब बैठकर एक लंच का पार्टी किया। फिर उसके बाद गए थापा के, मोहन के घर पे, थोड़ी दूर पे रहता है वो, उसका घर वहाँ पर है रूम, वो रूम में जाकर उन्होंने पूरा प्लान किया, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। वहाँ पर A4 जो है, अक्यूज्ड मुजरिम नंबर 4 भरत, वो माहिर है लॉक्स तोड़ने में। तो ये भरत और उसका साथी विशाल, ये आ गए वो रूम में, एक पूना से आया, एक बैंगलोर से आया, वो रूम में उतरे और सब लोग मिलके प्लान किए। ये 5 लोग जो उनके दूसरे साथी हैं और 5 लोग वो वहीं रहे। ये 5 लोग घर में ऊपर गए और लाइट को भी ऑन नहीं किया, टॉर्च लाइट और सेलफोन लाइट के जरिए एक एक रूम में जाकर लॉकर्स को खोला, तोड़ा। भरत उसको माहिर है, वो तो लॉक्स तोड़ने में कोई दिक्कत इनको हुई नहीं। उसके बाद पूरा जो देख रहे हैं 49 लाख कैश और इतना ज्वेलरी जो है, सब अपने अपने बैग में डालकर नीचे लेकर आए। नीचे लेकर आने के बाद पूरा जो गिरोह है इनका, 10 लोगों का, सब लोग अपना अपना बांट लिए, मतलब एक
आधे घंटे के अंदर सब कैश और ये सब बांट कर तीन ग्रुप के जरिए ये यहां से निकल गए। एक ग्रुप गया पुणे के तरफ, मुंबई पुणे के तरफ, एक ग्रुप गया इस तरफ बैंगलोर के तरफ। तो हम ये नेपाली मुजरिम जो हैं ये क्या करते हैं हमको जरा उसके बारे में जानकारी है, इसीलिए हमने क्या किया कि कैसे भी नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में जाने वाले हैं। तो हमने पहले ही बिना किसी से पूछे कोई इन्वेस्टिगेशन जो है जब शुरू नहीं हुआ था, तहकीकात शुरू नहीं हुई थी, एक टीम हमने नेपाल बॉर्डर पर भेज दिया। नेपाल बॉर्डर पे वहाँ पर सबको डीसीपी नॉर्थ जोन एसएसबी ऑफिसर से बात करके वहाँ सबको अलर्ट किया। वहाँ पर जाके उनके फोटोज बताए, उनको उनको व्हाट्सएप में फोटोज भेजा, सीसीटीवी फुटेजेस भेजे हैं कैसे दिखते हैं ये लोग, तो वहाँ पर पूरा बॉर्डर अलर्ट कर दिए। दूसरा टीम टास्क फोर्स और नॉर्थ जोन का वो पहुँचा इनको पीछा करते हुए पूना। पूना में उनके और रिश्तेदार रहते हैं, वो रिश्तेदारों से के घर पर जाने पर पता लगा कि खाली करके चले गए, थोड़े क्लूज मिले, तो उनको हम फॉलो अप करते हुए वो दूसरा टीम, हम क्या सोचे कि इनका लोकेशन कहीं ग्वालियर और झांसी के बीच में आ रहा था और वो जा रहे थे ऊपर कानपुर, उसके बाद लखनऊ के तरफ जाके वहाँ से बॉर्डर पहुँचना होता है। तो हम इनको टीम को आदेश दिया कि वो सीधा लखनऊ फ्लाइट में जाए, वहाँ से ऊपर से नीचे आए और इनको बीच में रास्ते में पकड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है एक दीपक नाम का उनका दोस्त है जो नेपाल टीकापुर से उनको ले बॉर्डर क्रॉस कराने आया था, वो आकर उसको 12 बजे तक ये जब पहुँचे नहीं तो उसको डाउट आकर वापस चला गया। पर उसके जो फ़ोन कॉल्स हैं उसको हमने ट्रेस करके इनका लोकेशन जो है ये ग्वालियर जाते जाते बस उसका अपना जर्नी पलटा के वहाँ पर वो बस चढ़ते समय एक इनका मोहन नाम का मुजरिम नंबर 3 है, मेन अक्यूज्ड, उसका इंजरी हो गया था, सीरियस इंजरी, एक नी इंजरी हो गई, बस चढ़ते चढ़ते वो नीचे गिर गया, नी इंजरी हो गई, नी कैप ब्रेक हो गया और उसको पहले का एक इंजरी की वजह से पूरा इन्फेक्शन उसके बॉडी में फैला हुआ था। तो वो डर से और पुलिस जैसे इनके लिए घूम रही है, उनको पता लग गया दीपक के द्वारा कि पुलिस इनको पकड़ने वाली है, तो वो लोग सोचे कि पूरा पुलिस देश भर में हमारे लिए ढूंढ रही है, तो हम वापस हैदराबाद ही जाते हैं क्योंकि और दूसरे लोग परिचय नहीं हैं, इनका ट्रीटमेंट कराते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ पर अलर्ट नहीं रहेगा, हमारे लिए ढूंढेंगे नहीं। तो ये हैदराबाद उसको वापस लेके आए, यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट चला रहे थे। पर हमको इसके बारे में एक क्लू मिल गया और लोकल पुलिस टीम वहाँ जाकर उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद आजू बाजू जो दूसरे मुजरिम हैं 10 मुजरिम पूरे 11 और एक ड्राइवर भी है उसको भी पकड़ के 11 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इतना प्रॉपर्टी 41.8 लाख कैश और 5 करोड़ का ज्वेलरी जो गया है उसमें एक 15% अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है क्योंकि वो भरत जो लॉक ब्रेकर है वो और उसका साथी जो है विशाल ये दोनों अब्सकॉन्डिंग है। तो इन दोनों को हम जल्द ही पकड़ेंगे, क्लूज भी हैं, उसके बाद हम उनकी तहकीकात और भी वो इसको पूरा करके कोर्ट में पेश करेंगे। अब आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल के बॉर्डर पे जो सिलसिला है वो 1750 किलोमीटर का बॉर्डर है। इंडो नेपाल ट्रीटी के तहत वहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं की जा सकती है, तो फ्री एंट्री एग्जिट होता है, बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट हैं जिसके द्वारा लोगों को जाना है। जो लीगल एंट्री चाहते हैं वो बॉर्डर के द्वारा जाते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इधर उधर जाने वाले वो वहाँ का फॉरेस्ट एरिया जो है या जो नदी बहते हैं उनके द्वारा वो आते जाते रहते हैं। तो ये जो मुजरिम है ये केस में वो लोग भी बहुत कोशिश किए, उनको बॉर्डर पास कराने के लिए भी लोग आए थे उनको, बट जब पकड़े गए एसएसबी के जो ऑफिसर्स थे बहुत ही कोऑपरेट किया, हमारा टीम जो उनके साथ लाइजन किया, अभी आप ऐसे के जरिए सुने हैं कैसे नाइट ड्यूटी में उन्होंने पेट्रोलिंग ज़्यादा किया, पोस्टिंग ज़्यादा किया, वो लोग भी बहुत खुश हुए कि इन लोगों को पकड़ सके हैं। एक इनोवा कार में 7 बजे सवेरे
ये लोग समझे कि वहां पर अलर्ट नहीं रहेंगे वो टाइम पे रात पूरा ड्यूटी करने के बाद, बट वो इनोवा को रोका, तीनों मुजरिम को पकड़ा गया और उनके पास काफी ये जो प्रॉपर्टी है रिकवरी उनके पास की गई है, तो उनको वहां से लेकर यहाँ आए हैं ट्रांसिट वारंट में, आज सवेरे ही पहुंचे हैं। और ये बहुत ही शानदार तहकीकात जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है करने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ नॉर्थ जोन डीसीपी को, उनके पूरे टीम को, और ओएसडी टास्क फोर्स राधा किशन और उसके पूरे टीम को। इतना मेहनत करके 10 दिन पूरा बाहर देश भर में घूम के ऐसा एक केस डिटेक्ट करना और प्रॉपर्टी भी रिकवर करना, ये पहली बार हुआ है। और हाँ, आपको जानकारी है कि हर केस में हैदराबाद सिटी पुलिस, कोई केस अभी अनडिटेक्टेड नहीं है, जो बड़े केसेस हुए हैं डकैती हो, चोरी हो, रॉबरी हो, हर केस डिटेक्ट हुआ है। केवल ये साल में, ये अगस्त मंथ अभी शुरू होने वाला है, ये 7 महीनों में भी करीब करीब 5 चेन स्नैचिंग और थोड़े HBs जो हैं अनडिटेक्टेड हैं, बाकी सब 90% डिटेक्शन का अभी चल रहा है। तो हम इस पर बहुत गौर दे रहे हैं, बहुत इस पर